ଭାଇଚାରାର ଉଦାହରଣ ଇଫତାର ପାର୍ଟି। ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପବିତ୍ର ମାସ ରମଜାନ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ସରିବ। ତେବେ ଏହି ମାସଟିକୁ ବେଶ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଭୋର ଚାରି ଘଟିକା ସମୟରୁ ସେମାନେ ଉପବାସ ରହି ନମାଜ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରମଜାନ ମାସରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଇଫତାର ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଇଫତାର ପାର୍ଟିରେ କେବଳ ମୁସଲମାନ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଭାଇଚାରାର ଉଦାହରଣ ଦିଏ। हाँ, हम लोग सब मिल के किए, बहुत खुशी लगा। मेरी भाई बहन, मेरे माँ बाप, मेरे सड़ू भाई सब मिल के आए थे, और भी मेरे दोस्त असना जितने भी थे, सब भाईचारा के हिसाब से सब आके हम लोग का बहुत खुशी हंसी से हुआ। और अल्लाह चाहे कि अगर आगे चढ़ के कुछ होगा तो बहुत आगे और से अच्छा कर सके। ये बस आप लोग से दुआ है कीजिए कि मैं और भी आगे अगले साल अगर बंच के रहा तो बहुत अच्छे से करूँगा। हाँ, कोई इसमें धर्म भेद कुछ नहीं है, यहाँ इसमें छोटे बड़े कोई नहीं है, सब मिल के इकट्ठे हम लोग इफ्तार पार्टी करते हैं भाईचारे के साथ। हम लोग बहुत अच्छे से होता है, इसमें हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है, इसमें सब भाईचारे के हिसाब से मिल मार के हम लोग करते हैं। और मेरे घर पर आज पार्टी हुआ था और सब आए थे, मेरे जो लोग बोक हुए बंधु बिरादर, हम लोग हिंदू मुस्लिम सबको हम लोग दावत दिए थे, भाईचारे के दावत दिए थे और आए सब, अच्छा इंजॉय करे, पार्टी अच्छा हुआ, सब कोई खाना वाना खा के, नाश्ता उस्ता खा के सब गए। हम लोग पवित्र महीना है, बहुत अच्छे से मनाते हैं खुशी हंसी से। ये हम लोग का बरकत का महीना है, हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके नमाज किताब पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बेमतलब में काम करते हैं, कोई मतलब नहीं, हिंदू मुस्लिम सब एक ही हैं, कुछ इसका नहीं है, सब भाईचारा ही है। मतलब वो दंगा करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है हम लोग के यहाँ। हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सब मिलने मिल के रहना चाहते हैं। इस्लाम में भी यही बोल रहा है और हिंदू कास्ट में भी यही बोल रहे हैं सब। हम लोग भाईचारा इंडिया में रहते हैं, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं।